There's another formula which says Pareto principle. Pareto principle again ये कहता है कि 20% लोग जो है ना वो 80% के बराबर कमा रहे हैं. 20% universities के graduates ऐसे हैं जो कि पूरी आधी universities के graduates से बाहर हैं. जब आप university से पढ़ के निकलेंगे मुझे ऐसा लगता है कि आपका competition बहुत कम होगा. मतलब you guys already studying at such a great university, such a great learning environment, कम बच्चे ज़्यादा focus. तो आपका competition कम होगा, आपकी earning भी ज़्यादा होगी. But Pareto principle यही बात कह रहे हैं कि कैसे possible है. तो पैरोटो प्रिंसिपल ये कहता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 10 काम लिखे, ठीक है, मैंने यहाँ 10 काम लिखे कि यार ये सारे काम मुझे करने थे. फॉर एग्जांपल ये सारे स्किल्स ना मुझे डेवलप करने थे. पैरोटो प्रिंसिपल कह रहा है सारे स्किल्स लिख दिया. मेरा सवाल है सारे स्किल बराबर हैं. सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? अपने आप से पूछिएगा कि हमने कम्युनिकेशन को ज़्यादा टाइम दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. पैरेटो प्रिंसिपल ये कहता है प्लीज हाईलाइट दैट पार्ट. अ लॉट ऑफ पीपल सेड शिट सर वो असाइनमेंट भूल गए. सर ने कहा कैसे भूल गए? कहा उसने लिखा था फिर भी भूल गए. अच्छा असाइनमेंट के नीचे लिखा था दूध भी लाना, असाइनमेंट के नीचे लिखा था ये काम भी करना, असाइनमेंट के नीचे लिखा था बर्थडे भी मनानी है. पता ये लगा कि वो वाले काम कर दिए बट इंपॉर्टेंट वाला काम मिस कर दिया. अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू प्रायोरिटाइज. पैरेटो प्रिंसिपल प्लानिंग में नंबर वन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसे हाईलाइट करो. सुबह उठ के आधा घंटा जब तुम प्लानिंग कर रहे हो ना सबसे इंपॉर्टेंट काम हाईलाइट करो.